हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका गैस कनेक्शन किसी भी कंपनी का है जैसे HP, इंडेन या फिर भारत, तो उसकी आप ऑनलाइन घर बैठे KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। KYC करने से ये बेनिफिट होगा कि जो आपकी गैस सब्सिडी आ रही है वो परमानेंट आती रहेगी और जिनकी सब्सिडी आनी बंद हो गई है उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है MyLPG। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद MyLPG.inHome में क्लिक करेंगे। जिस भी गैस कंपनी का आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। KYC करने से पहले हमको अपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए न्यू यूजर में क्लिक करेंगे। दो टाइप से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्विक सर्च से और नॉर्मल सर्च से। तो हम आपको यहाँ पे नॉर्मल सर्च से करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपना स्टेट अर्थात राज्य सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना है अर्थात जहाँ से आपकी गैस रिफिलिंग होती है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे कंज्यूमर नंबर फिल करना होगा। कंज्यूमर नंबर का मतलब होता है उपभोक्ता संख्या, जो कि आपके गैस की पासबुक में लिखा होता है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, ये जो नीचे बॉक्स में रखा हुआ। इसके बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे आपको आगे पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा। पासवर्ड क्रिएट करने में चार चीज़ों का यूज करते हैं, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल करेक्टर और कुछ डिजिट का यूज करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, मैंने स्क्रीन में एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा हुआ है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें साइन इन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करके नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। तो आप यहां पे एक ऑप्शन दे सकते हैं सबमिट KYC। अगर इसमें क्लिक करके सबमिट KYC करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत होता है। दोस्तों, आप लेफ्ट साइड में एक देख सकते हैं कस्टमर कंसोल का सेक्शन दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन, इसमें आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आगे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। उस OTP को आपको फिल करना है, आपकी जो होगी eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब सपोज दैट इसका स्टेटस चेक करना है कि eKYC कैसे कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो आपको आधार ऑथेंटिकेट में क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार ऑथेंटिकेट में क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं योर eKYC इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो eKYC है पहले से कंप्लीट है। दोस्तों, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।